हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मानिका गौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लगभग एक महीना हो गया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना चल रहा है, तो मेरी लाइफ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी थी। तो अब काफ़ी कुछ बेटर है, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो अपलोड की जाए। तो ये जो मीशो हॉल आज होने वाला है, ये मैंने एक महीने पहले ही कुर्तीज़ मंगा ली थी। तो आज का हॉल होने वाला है समर कुर्तीज़ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। पहले ये सारी की सारी कुर्तीज़ मैंने खुद खरीदी हैं। दूसरा, इन सब का साइज स्मॉल है, एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तीसरा, ये जो मैं कुर्ती का रिव्यू कर रही हूँ, ये आफ्टर वॉश है, यानी कि सारी कुर्तीज़ को धोने के बाद मैं इनका रिव्यू कर रही हूँ। तो चलिए, यही मुझे आपको बताना था। और चौथी जो मेन बात है, अगर मेरी वॉइस थोड़ा डल लगे, थोड़ा स्लो लगे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कुर्ती मैंने ऑर्डर की वो ये वाइट कलर में है, और इस पर पिंक कलर के फ्लावर बने हैं, और इसमें साइड में डोरी दी गई है, जिससे आप अपने सूट को अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं। ये शॉर्ट कुर्ती है, इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की है, इसका नेक राउंड है। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि ये एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती नहीं है, प्रिंटेड कुर्ती है। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बाकी मैंने इसे स्मॉल साइज में परचेज किया है। तो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है कुर्ता सेट, जिसकी कुर्ती इस तरीके की दिखती है। ये लाइट ब्लू कलर में है, और इस पर रबर प्रिंट है, इसकी स्लीव 3/4 है, और नेक कॉलर में है। इस कुर्ती के साथ जो बॉटम पार्ट है वो पैंट स्टाइल में है। इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका फिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस तरीके का है। तो जी, इसका दुपट्टा है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अच्छी खासी लेंथ है दुपट्टे की। तो पूरा सूट सेट बहुत अच्छा है। इस पर जो प्रिंट है, ये जो फ्लावर प्रिंट है, ये रबर प्रिंट है। तो इसको आपको वॉश करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेस करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर की है, और इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा हल्का है, समर के लिए बिल्कुल ही अच्छा कलर है। जो नेक्स्ट कुर्ती है वो अनारकली कुर्ती है, लेमन कलर की है, जो इस तरीके की दिखती है। इसकी स्लीव्स भी 3/4 है, और इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, इस पर कुछ इस तरीके के बटन लगे हुए हैं। इसका घेरा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी अच्छा फॉल बनता है, अच्छी शेप बनती है। तो इस कुर्ती को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस कुर्ती में एक और कलर है, ब्लू कलर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा, तो मैंने इसलिए ये वाली ऑर्डर कर ली थी। तो जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है वो है कुर्ता सेट, जिसकी कुर्ती इस तरीके की है। इसकी स्लीव्स भी 3/4 है, और इसका नेक कुछ इस तरीके का है, इस पर बटन्स दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल कुर्ती है, और बहुत ही लाइट वेटेड है। तो जो इस कुर्ते का प्लाजो है वो लाइट ऑरेंज शेड में है, और ये एग्जैक्ट यही कलर है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस कुर्ता और प्लाजो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने मिंत्रा पे देखा था, इसका प्राइस मिंत्रा पे ज़्यादा था, मीशो पे बहुत कम है। ये इमेज जैसे है वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है, तो आपको ये परचेस करनी चाहिए। इसमें और भी डिज़ाइन है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो मेरी फर्स्ट परचेज थी, तो उस पर मुझे डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट के बाद ये मुझे 296 की रिसीव हुई, वैसे ही 400 समथिंग की है। तो ये जयपुरी प्रिंट में है, तो इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की है, इस साइड में डोरी भी मिलती है, जिससे आप कुछ इस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। इसके नेक पे रेड कलर की पाइपिंग है। इस कुर्ती का जो बॉटम पार्ट है प्लेन वाइट है। कुर्ती का कलर बहुत अच्छा है, लाइट वेटेड है। आपको इसको ऑर्डर करते समय एक साइज ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर वॉश ये श्रिंक हो रहा है। ये सारी की सारी कुर्तीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत लाइट वेटेड है, इसलिए समर में आसानी से वेयर की जा सकती है, डेली लाइफ में आसानी से वेयर की जा सकती है। बाकी रही इनके कलर की बात, तो आफ्टर वॉश किसी का भी कलर नहीं निकल रहा है। बाकी जो श्रिंक हो रहा है वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन सी कुर्ती श्रिंक हुई है। अगर आपको कोई भी कुर्ती इनमें से पसंद आती है, तो मैं सबका
जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके उससे परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।